नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे पास थी धुली मूंग की दाल, जिसको मैंने बॉईल करके पीस लिया। तो ये दाल के साथ मैं बनाऊंगी सूजी, मैदा, हल्दी, अजवाइन, जीरा, नमक और मिर्च डाल के बढ़िया सी एक नमकीन मठरी। तो चलिए मिलते हैं। आटा मारने के बाद ये मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर हम बनाएंगे बढ़िया सा एक डो। और इसमें मेरे को डालना है थोड़ा सा मोइन। तो ये सारे कंटेंट्स हम मिला लेंगे और एक बढ़िया सा डो बना के तैयार करते हैं। तो देखिए, ये जो मूंग की दाल सूजी को लेकर के मैंने नमक अजवाइन डाल के इस तरह से ये पेड़े बना लिए। और इसको बनाने के बाद मैंने इस तरह से इसको बेल लिया और अब हम अपने मनपसंद शेप में इसको काटेंगे इस तरह से। ये देखिए, कोई भी शेप का आप काटिए, बहुत ही बढ़िया नमकीन बनके होगा तैयार और बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि ये है मूंग की दाल का। तो चलिए इस तरह से बना के मिलते हैं। तो देखिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ हार्ट शेप। इस तरह से आप काटते जाइए। और अगर आपके पास कुछ काटने के लिए इस तरह के कटर्स नहीं हैं, कुकी कटर्स कहलाते हैं ये, अगर आपके पास नहीं है तो आप डब्बे के ढक्कन से गोल काट सकते हैं। ये सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए है। और इस तरह से बढ़िया शेप में बन के तैयार होंगे। तो ये मैंने बना लिया स्टार और ये मैंने बना लिया हार्ट शेप, और बहुत ही बढ़िया। और ये हफ्ते भर आपका नाश्ता चल जाएगा अच्छे से। तो चलिए फ्राई करते हैं इनको। मेरी कढ़ाई हो गई है गरम और इसमें मैं डाल दूंगी कभी भी आपको मूंग की दाल से, अगर कभी आपके पास दाल बच भी जाए तो भी आप ये बना सकते हैं। मैंने तो ताज़ी दाल को पीस के बनाया है। और ये देखिए कितने प्यारे फूल रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके नमकीन फूले तो आप इसको अच्छे से घोट सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया करारा नमकीन हो गया तैयार। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना बढ़िया करारा बना है ये नाश्ता। और अब मैं आपको दूसरे बता रही हूँ, तो इसको मैं गोद लूंगी थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से अगर आप गोद लेंगे तो ये फूलेगा नहीं और ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब मैं इस शेप के इसमें बना रही हूँ। आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनता है और इन बिटवीन मील्स का है ये, मिड मील्स के लिए, जब भी आपको भूख लगे। अवॉइड करिए मार्केट का नाश्ता। मैंने आपको पहले भी नमकी दिखाई है, गाजर की, चुकंदर की, ये सब हेल्दी है। और ये आज मेरी है धुली मूंग की दाल। और ये देखिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ इसमें स्टार शेप के कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया नमकीन। इस पे आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं सर्व करने के लिए, धनिया, मेथी, जो आपका मन करे। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल और अच्छे। अब ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ स्टार्स और ये मैंने बनाए हैं हार्ट वैलेंटाइन के लिए। वैलेंटाइन डे हम सेलिब्रेट करते हैं और वैलेंटाइन मीन्स अ हेल्दी हार्ट विच केयर्स फॉर एवरी वन इन द फैमिली। तो बस हम इस तरह से अपने नमकीन को प्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए, मैं अलग अलग शेप में बना रही हूँ और ये मेरे हार्ट बन के तैयार हो गए वैलेंटाइन के लिए। तो ये नमकीन वैलेंटाइन स्पेशल भी है। तो अब मैं ये स्टार्स को निकाल लेती हूँ और अपने हार्ट्स को भी तैयार करती हूँ। आप इस तरह से इनोवेटिव चीजें बनाइए और लोगों का दिल जीतिए। ये देखिए, है ना बढ़िया।
सोल। ये देखिए वैलेंटाइन स्पेशल नमकीन है ना, बढ़िया। तो बस इस तरह से आप तरह तरह से बनाइए और इंजॉय करिए। और ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके स्पेशल पर्सन के लिए है। एनी वन स्पेशल इन योर लाइफ, यू कैन सर्व दीज हार्ट्स। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसकी भी प्लेटिंग और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए करारे हमारा नमकीन हो गया, बढ़िया तैयार। इसमें हम डालेंगे अच्छा सा चाट मसाला। और अब मैं बनाने जा रही हूँ जो हमारे नेचुरल कलर वो होता है डिज़ाइन। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ये देखिए ये छोटा छोटा ये इस तरह से। तो बस अब हम डालेंगे ये अपने सिक्के, छोटे छोटे गोल्डन सिक्के हैं ये, और ये बस बाइट्स हैं। ये देखिए क्या बढ़िया नमकीन, और बहुत ही ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। और बच्चे जो दाल नहीं खाते उनके लिए ये नमकीन बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल पानी पूरी की तरह से ये फूल गया, ये देखिए है ना बढ़िया। तो चलिए अब हम करेंगे प्लेटिंग। ये सिक चुके हैं तो मैं इसको निकालूंगी और हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो आज का नाश्ता आप इस तरह से बनाइए। और मैं डाल देती हूँ इसको इसके अंदर। तो देखिए ये सिलिकॉन शीट है, इसके ऊपर आप आराम से बना सकते हैं। और ये मेरे कटर्स हैं, तो बस ये मैंने बना दी सारे नमकीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच इंस्टेंट रेसिपीज़।